कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे मेटल बाजार के बारे में। आज जानेंगे मेटल बाजार में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। दिल्ली और मुंबई के बाजार के बारे में बात करेंगे, साथ देखेंगे किस तरह का कारोबार LME और M6 में आज बेस मेटल में चल रहा है। जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रेंज यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। मगर इससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करिए चैनल को, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो जो लाइक का बटन है आप उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मेटल बाजार के बारे में बात करी जाए, कल जबरदस्त तेजी के बाद बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग को देखते हुए कॉपर में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसकी वजह से बाजारों में हल्की फुल्की नरमी आज के दिन देखी जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार नहीं देखा गया है। कीमतों के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं तो कॉपर का LME में लेवल 7533 देखा गया है, 653 रुपए M6 का रेट है। एल्युमिनियम की कीमतें 2350 है LME में, 207.70 रुपए M6 का रेट आप एल्युमिनियम में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा लेड के बारे में अगर बात करी जाए, 2039 रुपए LME कीमतें, 182 रुपए M6 का रेट चल रहा है। जिंक के बारे में बात करते हैं, 3057 रुपए LME का लेवल चल रहा है जिंक में, और 281 रुपए पर M6 में जिंक में आप कारोबार देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा सोने के बारे में यानी गोल्ड के बारे में बात करते हैं तो 1718.70 रुपए कॉमेक्स की कीमतें हैं और 51941 रुपए M6 का रेट चल रहा है सोने में। इसके अलावा सिल्वर यानी चांदी के बारे में अगर बात करी जाए, 20.70 रुपए कॉमेक्स की कीमतें हैं, 61615 रुपए M6 का रेट आप देखकर चल सकते हैं। क्रूड ऑयल के बारे में जान लेते हैं तो बाजारों में क्रूड ऑयल में तेजी देखी जा रही है, 88.40 रुपए कॉमेक्स की कीमतें हैं, 7260 रुपए आप M6 का रेट क्रूड ऑयल में देखकर चल सकते हैं। अब इसके बाद दिल्ली मेटल बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो कॉपर सुपर एसजी का जो रेट है वो 696 है। कॉपर केबल स्ट्रिप की कीमतें 666 चल रही हैं। कॉपर आर्मेचर का रेट बाजारों में आप 656 देख कर चल सकते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम बर्तन के बारे में बात करते हैं, 177 रुपए पर एल्युमिनियम बर्तन में कारोबार दिल्ली के मेटल बाजार में देखा जा रहा है। एल्युमिनियम वायर स्क्रैप की कीमतें 200 रुपए देखी जा रही हैं। एल्युमिनियम पुर्जे के बारे में अगर बात करी जाए, 145 रुपए का रेट चल रहा है एल्युमिनियम पुर्जे में। जिंक हिंदुस्तान के बारे में जान लेते हैं, 290 रुपए आप जिंक हिंदुस्तान का लेवल देख सकते हैं बाजारों में। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। बाजारों में लेड की कीमतें 176 चल रही है। लाइव ईटी का रेट बाजारों में 191 रुपए देखा जा रहा है। बैटरी स्क्रैप के बारे में अगर बात करते हैं तो दिल्ली मेटल बाजार में 95/113 रुपए का रेट आप बैटरी स्क्रैप में देख कर चल सकते हैं। बैटरी स्क्रैप और लेड इन दोनों में ही बाजारों में तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। निकल के बारे में बात करते हैं तो 1965 रुपए निकल की कीमतें चल रही हैं दिल्ली के मेटल बाजार में। टिंडागे का रेट बाजारों में 1790 रुपए देखा जा रहा है। ब्रास पीतल की कीमतें 452 है और SS बर्तन स्क्रैप का रेट बाजारों में आप 75 रुपए देख कर चल सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के बाजार के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी कॉपर में ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग का असर आप देख कर चल सकते हैं। कॉपर केबल स्क्रैप का रेट 662 है। कॉपर आर्मेचर कीमतें 640 चल रही हैं। ब्रास स्क्रैप का रेट बाजारों में 460 देखा गया है। एल्युमिनियम स्क्रैप की कीमतें बाजारों में 156 देखी जा रही हैं। इंगट के बारे में अगर बात करते हैं, जिंक इंगट का रेट 287 है। लेड इंगट की कीमतें 190 रुपए देखी जा रही हैं। टिन इंगट के बारे में अगर बात करी जाए, 1790 रुपए पर टिन इंगट में बाजारों में कारोबार चल रहा है। निकल कैथोड के बारे में बात करते हैं तो 1938 रुपए पर निकल के बाजार में आप मुंबई के मेटल बाजार में कारोबार देखकर चल सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रेंज यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के बारे में। तो एक अच्छा सपोर्ट कॉपर में 657 रुपए का है। रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करी जाए, 668 रुपए ऊपरी स्तर पर रेजिस्टेंस लेवल चल रहा है कॉपर में। लेड में बाजारों में 175 रुपए का अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लेवल बाजारों में 177 रुपए आप देख कर चल सकते हैं। इसके अलावा जिंक के बारे में अगर बात करी जाए, 285 रुपए का लेवल जिंक में देखा जा रहा है, एक अच्छा सपोर्ट है। जिंक में 285 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल 296 रुपए चल रहा है। निकल के बारे में बात करते हैं तो 1945 रुपए पर एक अच्छा सपोर्ट आप देख सकते हैं निकल में, और रेजिस्टेंस लेवल बाजारों में ऊपरी स्तर पर 1985 रुपए बाजारों में निकल में देखा जा रहा है। तो मेटल बाजार में बाजारों में कल जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई, जिसकी वजह से ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी आई, और प्रॉफिट बुकिंग का सबसे ज्यादा असर आप कॉपर में देखकर चल सकते हैं। कॉपर में बाजारों में नरमी देखी गई है, थोड़ी बहुत गिरावट आई है, जो लेवल 700 के पार जा चुका था वहां से बाजारों में थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई है। लेकिन लेड एल्युमिनियम और जिंक में बाजारों में ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इंटरनेशनल बाजार तेज है, जिस चीज का इफेक्ट आप बाजारों पर देखकर चल सकते हैं। हमारी सलाह आपके लिए यही रहेगी कि बाजारों में आपको अगर अच्छा लेवल मिलता है ऊपरी स्तर पर तो वहां से आप अपना प्रॉफिट बुक करते हुए जरूर चल सकते हैं।
तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।